किस बात का डर है ऑडियंस को? क्यों रश्मिका को रखा जा रहा है तन से दूर? क्यों छोटी उंगली का नाखून रखा लाल रंग का? दोस्तों, पुष्पा 2 फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट और टीजर रिलीज करने के बाद जब मेकर्स ने एक इंटरव्यू अटेंड किया था तो बहुत सारे लोगों ने मेकर्स से कई सवाल पूछे थे, जिसमें एक फैन ने मूवी के डायरेक्टर यानी कि सुकुमार से पूछा था कि सर, आपने पुष्पा 2 में पुष्पा की छोटी उंगली के नाखून को लाल रंग से क्यों हाईलाइट किया है? और इस सवाल का जवाब देते हुए सुकुमार ने कहा कि पुष्पा फिल्म जहां खत्म हुई थी वो वहीं से पुष्पा 2 शुरू कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ऑडियंस को वो दोनों फिल्में एक दूसरे से कनेक्टेड लगे और ऑडियंस अच्छे से फिल्म को एंजॉय कर सके और उन्हें ये याद रहे कि पुष्पा की जिंदगी कहां से शुरू हुई थी और वो कैसे एक बड़ा आदमी बन चुका है। डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा 2 मूवी को लेकर बहुत रिलैक्स है, लेकिन ऑडियंस का कहना है कि उनका ये बिहेवियर कहीं मूवी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अभी हाल ही में वो एक इंटरव्यू में जब फिल्म से रिलेटेड कुछ नए सीन्स के बारे में पूछा गया था तो फिर सुकुमार ने ऑडियंस से ये कहा कि पूरी फिल्म ही नई है और उन्हें पूरा विश्वास है कि ऑडियंस को पुष्पा 2 जरूर पसंद आएगी। अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनकी जिम्मेदारी अब खत्म हो गई है सिवाय प्रमोशन करने की। जब इसके बारे में अल्लू अर्जुन से पूछा गया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि फिल्म की हर चीज नई होगी सिर्फ कुछ किरदारों को छोड़कर, और वो बहुत जल्द फिल्म का प्रमोशन भी शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियंस को कितना बेसब्री से इंतजार है पुष्पा 2 फिल्म का, इसलिए मेकर्स ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। पुष्पा मूवी ने ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दिया था और लोगों के दिलों में अपनी एक जगह बना ली थी। यहाँ तक कि मूवी के डायरेक्टर सुकुमार ने मूवी के हर कैरेक्टर को हाईलाइट किया था, पर जब से पुष्पा 2 मूवी का टीजर आया तब से ऐसा लग रहा है कि इस बार मूवी में सुकुमार सिर्फ और सिर्फ पुष्पा और विलन के कैरेक्टर पर ही फोकस करेंगे। यहाँ तक कि पुष्पा फिल्म में तो रश्मिका के किरदार को भी हाईलाइट किया गया था और ये दिखाया गया था कि रश्मिका का रोल भी कितना जरूरी था, लेकिन जब से पुष्पा 2 फिल्म के बारे में बातें हो रही है उन बातों में सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की ही बातें हो रही है या फिर उसके लुक की। कोई ये नहीं देख रहा है कि पुष्पा 2 में रश्मिका की बात ही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से रश्मिका के फैंस तो काफी नाराज हो गए हैं। तो देखते हैं अब दोस्तों कि पुष्पा 2 में आखिर क्या क्या नई चीजें सामने आती है। आप पुष्पा 2 के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।